छत्तीसगढ़ का कोई भी मंत्री यहां नहीं आया। उन्हें पता है कि आखिर उन्हें मोदी के सामने जाना है और कोई भी भ्रष्टाचारी मोदी से आंख नहीं मिला सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस मोदी से डरती है, इसीलिए भाग जाते हैं। कांग्रेस बस्तर को नजरअंदाज कर रही थी, भूपेश सरकार अपनी सरकार बचाने में लगी है। आज की भीड़ ने भूपेश सरकार को करारा जवाब दिया है। तो जगदलपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेश बघेल पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का कोई भी मंत्री यहां नहीं आया। दरअसल भूपेश बघेल या भूपेश सरकार का कोई भी मंत्री प्लांट उद्घाटन पर नहीं पहुंचा था। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेश सरकार पर निशाना साधा। जहां भी इनकी सरकार बनती है वो जम करके लूटते हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने राजस्थान छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य को लूट का सबसे बड़ा खजाना बना दिया है। छत्तीसगढ़ के ही लोग मुझे बताते हैं कि कांग्रेस के हर छोटे बड़े हर नेता ने 15 साल जो तक सरकार नहीं दी ना, वो जो कम खाद पड़ गई थी ना, वो भी जमा करने में लग गए 5 सालों में। यानी 15 साल तक इनको छत्तीसगढ़ को लूटने का मौका नहीं दिया, अब वो सारी कसर भी अभी निकालना शुरू कर दिए है। अरे इन्होंने तो गौमाता के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। और चले अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस मोदी से डरती है, इसलिए भाग जाते हैं, और उन्हें पता है कि मोदी के सामने जाना है और कोई भ्रष्टाचारी उनसे आंख नहीं मिला सकता। देखिए, बस्तर बहुत महत्वपूर्ण है दिनेश जी। बस्तर वो गढ़ है कांग्रेस के लिए जहां अभी तक बीजेपी उसे भेद नहीं पाई। 12 सीटें हैं, 12 सीटों का गणित है विधानसभा का, एक लोकसभा सीट का गणित है, और फिलहाल दोनों ही पक्ष जो है वो कांग्रेस के पास है। विधानसभा की 12 की 12 सीटें भी है और लोकसभा की एकमात्र सीट जो बस्तर है वहां से भी दीपक बैज सांसद है कांग्रेस के। अब बस्तर में गरजने के मायने क्या? देखिए, नगरनार स्टील प्लांट बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होती है। नगरनार स्टील प्लांट का विरोध इस प्रकार से सरकार कर रही है कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में देने का बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार ने लगाया था, इसलिए आज उसी के विरोध में बस्तर बंद कराया था। तो पीएम ने वही कहा कि बस्तर बंद कराने के बावजूद भी जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है, मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और बस्तर में नगरनार प्लांट किसी का नहीं है, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। भ्रष्टाचार के भी कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने घेरा। पीएससी का हम बात कर लें, शराब घोटाले का हम बात कर लें, जिस प्रकार से कांग्रेसी भ्रष्टाचार की बात वो लगातार मंच से कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। किसी भी सरकारी अधिकारी का, मुख्यमंत्री का, टीएस सिंहदेव का जो कि डिप्टी सीएम है, सरकारी कार्यक्रम में नहीं आने को लेकर भी प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है कि आखिर उन्होंने समय क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं आए वो। तो इस पर देखिए, मुख्यमंत्री का भी पलटवार आया है कि नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों में जाने का हम विरोध कर रहे थे, हमने बंद बुलाया है। जब हम इसका विरोध कर रहे हैं तो हम मंच पे कैसे जा सकते हैं? तो देखिए, पिछली सरकार इस सरकार का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है और देखिए चुनाव जैसे जैसे आएगा ये मान के चलिए आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि बस्तर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत साफ है, जिसने बस्तर और सरगुजा को साध लिया उसने प्रदेश को, पूरे प्रदेश को साध लिया। बस्तर को साधने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन हाँ एक बात तय है कि सरकारी कार्यक्रम था तो किसी न किसी अधिकारी को, किसी न किसी मंत्री को वहां पर जाना चाहिए था, जिसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया है। हालांकि मुख्यमंत्री का भी इस पर बयान आया, लेकिन ये वार पलटवार अभी चलता रहेगा क्योंकि प्रधानमंत्री के अभी कई दौरे और भी होने। फिलहाल कांग्रेस सरकार और केंद्र के बीच में जो खटास थी, जो दूरियां थी, वो लगातार और बढ़ती जा रही है। चलिए, शुक्रिया आदित्य जी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज जमकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कोई भी सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा, ना ही कोई कैबिनेट से मंत्री, ना ही खुद भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर भूपेश सरकार पर निशाना साधा। और फिलहाल इस